एक सपना मोदी जी ने देखा था, वो देखा था इनोवेशन एट योर डोर स्टेप। और इनोवेशन एट योर डोर स्टेप क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है जो इनोवेशन है वो आपके दरवाजे तक पहुंच गई। और दरवाजे की बात करूंगा CSIR में, आप देख सकते हैं यहां पर काफी डिफरेंट डिफरेंट स्टार लगे हैं। हालांकि हमने देखा जितेंद्र सिंह जी ने इसका इनॉग्रेशन किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए और इनोवेशन की बात भी की और उन्होंने सारे स्टॉल किए, लेकिन उस बीच एक जो खूबसूरत सा स्टॉल जिसके ऊपर मेरी नजर गई है वो ये वाला है। और आप देख सकते हैं ये जो प्यार भरी चीजें आप देख सकते हैं, ये आपको लगता था सिर्फ पहले कश्मीर में उगती थी, अब जम्मू कश्मीर में भी उग रही है। जम्मू में खासकर आप देख सकते हैं, हम देख रहे हैं वो देख सकते हैं आप बोर्ड की तरफ जो दिखा रहे हैं, रामबन डोडा और किश्तवाड़ में लोग गुट्टे उगा रहे हैं। लेकिन हम यहां से जो हम बोलते हैं वापस जो प्यार है वो हमारा कश्मीर से आया हुआ है। मैं सर से जानना चाहूंगा, सबसे पहले सर आपका नाम? हेलो, मैं शाहिद रसूल, आई एम रिप्रेजेंटिंग जो हमारे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक पैन इंडिया मिशन है हमारे किसानों की इनकम को इंक्रीज करने के लिए, उनके जो खेत है उन खेतों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने की जो हमारी कोशिश है, उसके लिए जो आफ्टर अरोमा मिशन जो CSIR ने मिशन बड़ा स्तर पे जो लॉन्च किया था, दैट वाज CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन 2020 में लॉन्च हुआ था। और जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्रफल में CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो हमारी संस्थान CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो है इम्प्लीमेंट कर रही है। और इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो इनिशिएटिव में इंसेंटिव्स है वो किसानों के लिए है, वो हमारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए है, हमारे जो यंग अनएम्प्लॉयड टेक्नोक्रेट्स है जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में अपना जो योगदान देना चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, या जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स और उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज है उनसे फायदा उठाने। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं कश्मीर से कि जम्मू से? नहीं, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स जो ऑफ दी जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चरल जो आपके क्रॉप्स देख रहे हैं, इसमें कट फ्लावर्स भी है और इसमें लूज फ्लावर्स भी है, इसमें ड्राई फ्लावर्स भी है। ये जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की जो हमारी मतलब जम्मू एंड कश्मीर, मैंने देखा हमेशा से हुक्मरानों की कोशिश रहती थी, मैं ये पॉलिटिकल सवाल के तौर पर, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोलते कश्मीर बिकता था, कश्मीर का नाम बिकता था। आज जम्मू में भी हम देखने को मिल रही है कि सेम काइंड ऑफ थिंग्स जो कश्मीर में ट्यूलिप्स उगते थे अब जम्मू में भी ट्यूलिप गार्डन को देखें, तो कहीं ना कहीं कश्मीर का एक योगदान के तौर पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन, क्योंकि किसी भी चीज को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, ये जरूरत थी कि उनका जो एक्सपर्टीज था वो जम्मू में भी चाहिए था। तो आपको लगता है वो द्वार खुल गए कश्मीरियों के लिए कि भी कि कश्मीर की जो साइंस थी वो जम्मू में भी अब? एब्सोल्युटली नो, आई एम ग्लैड दैट यू हैव टोल्ड दिस। इसमें देयर आर रीजंस फॉर दिस एक्सपेंशन या आपके ट्रांसलेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी। अभी तक जो आप आज की डेट भी अगर हम देखें तो अगर ट्यूलिप की बात करें, बड़ा नोन है ट्यूलिप गार्डन कश्मीर वैली, अब भोर में भी बात की, बिल्कुल अब यहाँ पे भी है, बिल्कुल। तो ट्यूलिप जो है वी इंट्रोड्यूस ट्यूलिप्स फ्रॉम हॉलैंड इनिशियली इन कश्मीर कंडीशन, फार्मिंग कैसा है इसके लिए एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल होना चाहिए, सुटेबिलिटी बहुत होनी जरूरी पड़ती है। तो अगर आपका कोई फसल ऐसा है जो ठंडे इलाके में ना ही उगेगा तो आप नहीं लगा सकते उसको। तो लेकिन आज की डेट में टेक्नोलॉजी से नई वैरायटीज आई है, नए क्रॉप कल्टीवार्स आए हैं जिनकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी, वो कश्मीर के ठंडे मौसम में भी उग सकते हैं, वो हमारे भद्रवाह में भी उग सकते हैं, वो हमारे जम्मू में भी उग सकते हैं, वो हमारे कठुआ में भी उग सकते हैं। तो कंसिडरिंग दैट जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी मुसलसल ये कोशिश रहती है कि किस तरीके से वो ऐसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें, उनका जर्म प्लाज्म या उनकी वैरायटीज जो एक वाइडर एडेप्टेबिलिटी रखे और मुख्तलिफ कंडीशन में उनको लगाने की जो है। फ्लोरिकल्चर पे ही आऊंगा, फ्लोरिकल्चर की बात करें कश्मीर से दो खान सिस्टर्स मशहूर थी जो कि फिरोज खान की सिस्टर्स हैं, हमने उन्हीं को देखा था कि वही एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं चाहे कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, कहीं ना कहीं सिर्फ जहां पे बोलते हैं कि टूरिज्म से बिजनेस चलता है, आज हम देख रहे हैं फ्लोरिकल्चरिस्ट भी अपना बिजनेस चला रहे हैं। क्या ये इस इंडस्ट्री में आने से लोगों को जो हम बोल सकते हैं मॉनेटरी फायदा हुआ? इसका एक बैकग्राउंड है, फार्मिंग अब कमर्शलाइज हो रही है, पहले खेतों में लोग फसलें उगाते थे अपने सिर्फ अपने इस्तेमाल अपने के लिए, फसलें ग्रो की और उनको बेचा और पैसा कमाया और खुद के लिए, लेकिन आज फार्मिंग एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे देखी जाती है, एक बिजनेस एग्री बिजनेस के तौर पे देखी जाती है। आपने कहा कि पहले दो सिस्टर्स थी जो ये करती थी, लेकिन आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया ने इतना स्ट्रांगली इस चीज को प्रमोट किया है, फ्लोरिकल्चर को तो सनराइज इंडस्ट्री डिक्लेयर किया हुआ है और इसको एक 100% एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली सेक्टर को आइडेंटिफाई किया, एज सेक्टर आइडेंटिफाई किया। और जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं इस मिशन में वो यही है कि किस तरीके से जो हमारी 25,000 करोड़ की जो हमारी फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री नेशनल लेवल पे है, स्तर पे, और इसमें जो अगर आप इसको वैल्यू एड करेंगे तो उसका वैल्यू और एम्प्लीफाई होता है, कैसे हम ग्रास रूट लेवल पे फार्मर से स्टार्ट करके इसको हायर स्केल पे हर एक पॉइंट पे लीवरेज किया जाए, तो ये प्रयास है। क्योंकि मैं इससे पिक्स में देख रहा था कि आपने फाफलंग एरियाज भी, जैसे ये हम बोल सकते हैं महानपुर वाली तरफ, पठुओ वाली तरफ, बिहड़ इलाके बोलते थे जहाँ पे कुछ बनी, नहीं बनी बसोली, बनी बसोली जहाँ उगता ही नहीं था, खड़ किश्तवाड़ तक, बिल्कुल किश्तवाड़ में भी चल रहा है। अब लेवेंडर का हम देख रहे हैं कि भद्रवाह में चल रहा है, उस हिसाब से आपको लगता है कि ये मार्केट जो है अभी भी एक दिक्कत कहीं ना कहीं, मुझे जो अपने पर्सनल लेवल पे जाते हैं कि मार्केटिंग हो रही है लेकिन लोग अभी भी सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली इंडस्ट्री है, डरते हैं इसमें इन्वेस्ट करने से, कुछ आपको लगता है? फ्लोरिकल्चर में एक इनहेरेंट कंस्ट्रेंट, एक इनहिबिशन फार्मर्स को होती है क्योंकि ज्यादातर इनका इस्तेमाल फ्रेश होता है और हमें ये पता है कि फ्लावर्स में लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती, शेल्फ लाइफ को कहते हैं, तो फार्मर्स थोड़ा झिझकते हैं कि भाई अगर बिका नहीं तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसके भी हमारे पास एग्रो टेक्निक्स होते हैं कि हम कैसे मार्केट को इसे कंट्रोल करें कि मार्केट में ग्लट ना है। जैसे मैं आपको समझाऊं, हमारा जम्मू एंड कश्मीर में आज की डेट में 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, ठीक है, तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहते एज नो मिशन इम्प्लीमेंटिंग जो एजेंसी है कि हम इकट्ठे जो है एक किस्म का एक प्रकार का फ्लावर जो है मार्केट में लाए ताकि ग्लट हो जाए। हम क्या करते हैं, हम स्टैगर करते हैं, पहले हमने कठुआ में दिया फ्लावर, वहां के फार्मर्स का जो प्रोड्यूस मार्केट में आएगा अब कहीं से नहीं आएगा। नहीं, मैंने एक और चीज देखी थी कि कोल्ड स्टोरेज पहले नहीं होती थी, अब इस गवर्नमेंट में, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी करता हूँ कि जिस तरह से आईटीज खुल रहे, वैसे जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है तो हम सबको कोल्ड स्टोरेज नहीं दे पा रहे थे लेकिन मैक्सिमम को दिया जा रहा था, कहीं कश्मीर में एक देखने को मिलता था, एक जम्मू में देखने को, कहीं कोल्ड स्टोरेज स्टोरेज मैं कहता हूँ कि फ्रेश की ही कंजम्पशन, जो आप कह रहे कोल्ड स्टोरेज वो तो एक सेकेंडरी वैल्यू, सेकेंडरी वैल्यू, लेकिन हम कहते हैं कि प्राइमरी ही आपको ऐसा मार्केट, जब आपके पास वेन्यू है हंगर पर दी प्रोडक्ट, तब आपका प्रोड्यूस जो है इजीली बिकता है। अब बात करूंगा मैं CSIR IIIM के ही, जो हम स्टेज सजाई हुई है, यहाँ से कितना बेनिफिट मिल रहा है आपको, मतलब कि मुझे पता है कमर्शियलाइज तो नहीं हो रहा लेकिन लग रहा है कि लोग जान रहे। जम्मू प्रोविंस में इसको हम वी कॉल इट एज टेंपल सिटी, और यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में फ्लावर्स एज रिलीजियस ऑफरिंग्स जो है इस्तेमाल होती है, एंड वी हैव अवर फार्मर जो हमने बेनिफिट करवाए है फ्लोरिकल्चर मिशन में, सम 800 फार्मर्स इन ऑनली जम्मू डिवीजन, उन्होंने लास्ट जो क्रॉपिंग कैलेंडर था या सीजन था उसमें 5 करोड़ रुपए का सिर्फ मैरीगोल्ड का जो प्रोड्यूस अपना है जम्मू की मार्केट, गुट्टे का, ओनली गुट्टे का, 5 करोड़ गुट्टे की मार्केट जो है 25 करोड़ की है जम्मू में, और लास्ट ईयर जो है हमारा फार्मर 5 करोड़ उसमें टैग कर चुका है। लाइकवाइज वी हैव इन कश्मीर लॉट ऑफ पोटेंशियल फॉर कट फ्लावर्स, और वहां का कट फ्लावर तो बैंगलोर तक चला जाता है। तो मैं चाहूंगा आप अपनी टीम का भी बताएं कि टीम का कितना योगदान रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि एक मिशन ऐसा है जहां जिसमें फील्ड एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, हमें एरिया एक्सपेंशन करना है, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि पिछले 2.5 साल में जो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर का एरिया था वो डबल हो गया है फ्लोरिकल्चर मिशन के प्रयास से। इसमें वैल्यू एडिशन का भी हमारा एक वर्टिकल है कि कैसे हम फ्लावर्स में, आप देख रहे होंगे जैसे हमारे ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी केयर में है, रेजिन आर्ट में है, या इवन जो नेक्टर बेरिंग एपॉक्सी देखने को मिल रही है, सबसे खूबसूरत चीज हमारे हनी भी जो है नेक्टर बेरिंग फ्लावर से, ये ड्राई फ्लावर आर्ट है, ये ब्रश प्रिंटिंग है फॉर इंस्टेंस, अगर आप देख सकते हैं जस्ट शो यू तरीका है हमारे नेचुरल डाइज को एक्सट्रैक्ट करने का जो फैब्रिक की प्रिंटिंग में आता है। लाइकवाइज वी हैव दिस ड्राई फ्लावर टेक्नोलॉजी, 8,000 करोड़ रुपए की इसकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, सो अपॉर्चुनिटीज आर अबंडेंट एंड गैलोर, हम कैसे कैसे इसको टैप कर सकते हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि MOU साइंस होंगे और कॉलेजेस के साथ भी और यूनिवर्सिटीज के साथ भी, ताकि और लोग भी, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमेशा कहते हैं कि भैया डोंट बी अ जॉब सीकर, बी अ जॉब गिवर, तो वो जॉब गिवर बनने की मेरे को लगता है कि, और कल के बयान से तो उन्होंने बोल दिया है कि पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर की तरफ एक बार फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ही वो मार्केट है जहाँ टेस्टिंग बहुत ज्यादा अब हो रही है और देखा जा रहा है कि बेस्ट विकल्प क्या है टूरिज्म इंडस्ट्री के अलावा। जैसे आपने कहा हमारे माननीय मंत्री जी का एक स्पेशल फोकस है स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने की, तो हम कहते हैं कि एग्री स्टार्टअप्स को हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में बढ़ाए और क्रॉप्स की कल्टीवेशन और उनकी वैल्यू एडिशन इज फॉरमोस्ट
थिंग दैट वी शुड बी वर्किंग ऑन, और हमारा फोकस भी है कि जो हमारे यंग यूथ है उनको अपने साथ जोड़े। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? आई जस्ट वांट टू कन्वे सिंपल मैसेज दैट गो फॉर नेचुरल फ्लावर्स, बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फ्लावर्स की अपने लाइफ स्टाइल में जरूरत पड़ती है। गो फॉर नेचुरल फ्लावर्स, उससे क्या होगा, यू वुड रिक्वायर टू ग्रो फ्लावर्स फ्रॉम योर फील्ड्स, और उससे क्या होगा, आपका फार्मर भी बेनिफिट करेगा और आपकी जो लोकल मार्केट और इंडस्ट्री है वो भी बेनिफिट करेगी, एंड इन द प्रोसेस ऑफ दिस वैल्यू चेन हमारी नेशनल इकोनॉमी विल हैव अ टेलिंग इफेक्ट बाय वर्चू ऑफ दिस एक्टिविटी। मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम आप रखो प्राइस टैग भी रखो ताकि सामान निकल जाए। श्योर, डेफिनेटली, थैंक यू, सो नाइस हैविंग। तो ये आपने देखा, मैंने क्यों बोला कि जो जम्मू कश्मीर है वो इनोवेशन का सेंटर बनते जा रहा है। कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने भी कह दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, कि अब जम्मू कश्मीर की तरह पूरे भारत को देखना पड़ेगा, और मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है कि पूरे भारत को जम्मू कश्मीर की तरफ देखना पड़ेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, में शोम को तौल जाहिर।